भाई ये फायरबोल टेरा नहीं टेरर है, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में क्यों। गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइस टेक, और इस वीडियो में देखा जाए क्या आपको ये 6000 की घड़ी लेनी चाहिए या नहीं। डब्बे के ऊपर देखें तो आपको फायरबोल का ब्रांडिंग, वॉच का फोटो, टेरा का ब्रांडिंग, ये सारी चीजें दिखेंगी। राइट साइड पे की हाईलाइट, लेफ्ट साइड पे की हाईलाइट, पीछे भी की हाईलाइट। डब्बे के अंदर आपको सबसे पहले आपकी मैनुअल देखने को मिल जाती है, उसके बाद आपको आपकी वॉच मिल जाएगी, उसके बाद आपको आपकी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी, एंड उसके बाद बहुत सारे कार्ड, एक वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एक Z5 का रजिस्ट्रेशन कार्ड, एक गाना का सब्सक्रिप्शन कार्ड, और एक फायरबोल्ट प्ले ऐप का कार्ड, बहुत सारा कुछ है डॉक्यूमेंटेशन बॉक्स के अंदर। डिजाइन भाई पूरा मेटालिक फिनिश है, राउंड डायल डिजाइन है, सिंगल बटन है, अच्छा दिखता है, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा फीमेल की तरफ ज्यादा जाती है वॉच, ऐसा मुझे लगा। मेन पे भी अच्छी लगेगी अगर आप ब्लैक वैक कलर लो, गोल्डन कलर इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लुक वाइज वॉच काफी अच्छी है, मेटालिक बिल्ड है भाई, ठक ठुक करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आपको IP67 की रेटिंग मिल जाती है, 6000 की घड़ी भाई, IP68 भी नहीं, यहाँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस, एटलीस्ट 3 ATM, यहाँ पे IP67 दिया है, यहाँ पे डेफिनेटली ये एक कॉन है। 20mm का स्ट्रैप मिलता है आपको साथ में, पीछे जेन्युइन लेदर स्ट्रैप लिखा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रैप का क्वालिटी बहुत अच्छा है, सही में लेदर है। आपको पता है भाई इसका डिस्प्ले एक एडवांटेज तो है, बट उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है। क्यों? यहाँ पे आपको एक अच्छा 1.32 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। 390x390 का रेजोल्यूशन है, डिस्प्ले काफी अच्छा है, शार्प है, क्रिस्प है, नो प्रॉब्लम, सनलाइट में भी आराम से देख पा रहा था, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगा, एक इसका टच रिस्पॉन्स कभी-कभी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, एंड कभी-कभी होता ही नहीं है, मतलब आराम से ऐसे टैप टैप करोगे तो नहीं चलेगी, आपको थोड़ा सा जोर से प्रेस करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम ना मुझे हर जगह पे इस वॉच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए देखने को मिली है, थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है वो एक टाइम के बाद। एक और छोटा सा इशू मुझे जो दिखा, मैं वॉच फेसेस जब चेंज कर रहा था तो कोई कोई वॉच फेसेस में ना मेरे डिस्प्ले ऐसे मतलब बंचालू बहुत लाइटली हो रहा था, ऐसे क्या आप वन शॉट में देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप थोड़ा सा घूर के आराम से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा ऐसे झिलमिल हो रहा है डिस्प्ले अंदर, एंड वो बहुत कम था, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, 6000 की घड़ी है। हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मेरे डिस्प्ले के साथ ये इशू हो, पर मुझे ये देखने को मिला है। अगर आप में से किसी ने फायरबोल्ट टेरा ली है तो थोड़ा सा कस्टम वॉच फेस 2-3 चेंज कर देखो, ब्लू कलर के शेड के आसपास आप थोड़ा सा देखो, आपको झिलमिल लगता है डिस्प्ले में। एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ एक और ऐसी लगी कि भाई मुझे कॉल आया एंड डिस्प्ले वेक ही नहीं हो रहा था, सिर्फ वाइब्रेट हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, कॉल कट होने के बाद भी वो डिस्प्ले वेक नहीं हुआ। फाइनली मुझे वॉच को रीस्टार्ट करना पड़ा एंड उसके बाद वो फोन से कनेक्ट हुई। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सही में अच्छा काम कर लेता है भाई। एक प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में फेस हुई, इसमें कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नाम की सेटिंग नहीं है, मतलब इसमें ना आप ऊपर से नीचे स्वाइप करके राइट की तरफ जाओगे ना तो एक आपको ऐसा बल्ब देखने को मिलेगा जिसपे प्रेस करोगे तो आपको बताएगा स्क्रीन में लाइट अप कॉन्स्टेंटली, वो बेसिकली है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बहुत देर तक ढूंढने के बाद, पता करने के बाद पता चला कि भाई सही में यहाँ पे ये सेटिंग है और उसको ऑन करना पड़ता है, एंड ये पूरा टाइम ऑन नहीं रहती है। सेटिंग में आप सेट कर सकते हो आपको 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट कितना रखना है, उतनी देर के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा। उसके बाद आपने एक आध बार बटन दबाया, वॉच को यूज किया, फिर वापस रखा, फिर से वो 20 मिनट तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगा, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। ये बेसिकली बैटरी सेव करने का फीचर है जो मुझे काफी सही लगा, अच्छा काम कर रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अच्छा है इस वॉच का। भाई यहाँ पे एक बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब नहीं करते लोग, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसको ग्रे कर दो, घंटी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहाँ हम आपके भाई DM की रिप्लाई भी दे देते हैं। इस वॉच के सेंसर स्टार्टिंग में मुझे गड़बड़ लगा, सच बता रहा हूँ भाई, मैंने पल्स ऑक्सीमीटर भी लगाया और चेक कर लिया, डिफरेंस 4 से 5 का आया, मैं थोड़ा सा सदमे में आ गया, बोला 6000 की घड़ी में नकली सेंसर, मुझे ऐसे लगा मेरे पल्स ऑक्सीमीटर में शायद इशू है। फिर मैंने एप्पल वॉच पहनी, इस वॉच को, एप्पल वॉच को, पल्स ऑक्सीमीटर को, तीनों को एक साथ चेक किया, पल्स ऑक्सीमीटर में एप्पल वॉच में सिर्फ 1-2 पॉइंट का डिफरेंस था और यहाँ पे 4-5 का आ रहा था। फिर 5-6 रीडिंग्स के बाद मुझे ये वॉच में सही रीडिंग्स आना स्टार्ट हुई, एंड सही रीडिंग देना स्टार्ट हुई जहां पर डिफरेंस सिर्फ 1-2 का ही था। तो मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग में हो सकता है आपको गलत रीडिंग्स आए, पर मेरे हिसाब से उसके बाद मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी सही रीडिंग्स आना स्टार्ट हो गई थी। हार्ट रेट इस वॉच का काफी एक्यूरेट है, अगेन पल्स ऑक्सीमीटर पे ही टेस्ट किया है। यहां पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी देखने को मिल जाती है, स्लीप ट्रैकिंग तक देखने को मिल जाती है, जो मुझे काफी एक्यूरेट भी लगी है। यहां पे मुझे ऑन द वॉच 5 वॉच फेसेस देखने को मिले हैं, कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो या और आप वेयरफिट प्रो नाम का ऐप है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉब्लम ये लगी मुझे कि भाई बहुत सारे वॉच पेड है, मतलब 6000 की घड़ी लेने के बाद भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1-2 आपको वॉच फेस के लिए पे करो, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको पूरे फ्री वॉच फेसेस देने चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा कमाना शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी जब आप 6000 की घड़ी दे रहे हो। ऑलरेडी वॉच फेसेस अच्छे थे, फ्री वाले वॉच फेसेस मैंने लगाए, अच्छे लगे मुझे,
वो वाला चेक करना भाई। और झिलमिली वाला इशू अगर आपको आया तो मुझे बताना हो कस्टम वॉच फेस लगाने के बाद। कस्टम वॉच फेस लगाने के बाद आपको 5 आपके नॉर्मल जो वॉच के ऊपर वॉच फेसेस वो दिखेंगे एंड एक आपको कस्टम दिखेगा। जब आप दूसरा कोई ऐप से सिंक्रोनाइज करके इसको वॉच फेस सेट करोगे तो पहले वाले को हटा देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। जो 5 है वो ऑलरेडी रहेंगे, छठवा वाला रिप्लेस होगा। एंड वॉच फेस लगने का प्रोसेस पूरा ऑलमोस्ट 1 मिनट खा लेता है, जो बहुत ज्यादा है। वेयरफिट प्रो का ऐप भी काफी अच्छा है। स्टेप्स, ब्लड प्रेशर, SpO2, हार्ट रेट, स्लीप, वेट, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, फटीग, इफेक्टिव एक्टिविटी, ये सारी चीजें दिख जाती है। एक्सरसाइज यहाँ पे आप GPS बेस्ड वर्कआउट ऐप से चालू कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस में गए तो आपको आपके वॉच फेसेस दिख जाएंगे, ऊपर आपको थोड़ा सा कनेक्शन का डेटा के बारे में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वेदर रिपोर्ट, नोटिफिकेशन सेटिंग, अलार्म, हेल्थ रिमाइंडर, ये सारी चीजें, बहुत सारी सेटिंग्स आपको ऐप में देखने को मिल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी, जब कोई आपको कॉल आता है तो यहाँ ना कॉल आंसर करने का ऑप्शन है ना एंड करने का। भले से आंसर याद दबाओ और आंसर अपने फोन पे करो, मैं ये नहीं बोल रहा वॉच पे आंसर करना है, बट वो भी ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिलता है आपको। वॉच का UI अच्छा है, स्मूथ है, बट दो जगह मुझे लैग्स दिखे। एक जब ऊपर से नीचे स्वाइप करो तो एक छोटा कंट्रोल पैनल खुलता है, वहां पे मुझे थोड़े से लैग्स दिखे, हल्के हल्के प्यार से आता है और रुक रुक के। सेटिंग्स, ब्राइटनेस कंट्रोल, थिएटर मोड, ये सारी चीजें आपको ऊपर से देखने को मिल जाती है। नीचे से ऊपर गए तो आपको आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल गए। राइट की तरफ गए तो आपको म्यूजिक कंट्रोल मिलता है। म्यूजिक कंट्रोल में यही नहीं दिखाता कौन सा गाना प्ले हो रहा है आपके फोन पे। एक दूसरा, यहाँ पे कोई TWS पेयरिंग नहीं है। 3500 की फायरबोल्ट ने 360 प्रो निकाली, जिसको मैंने अभी रिव्यू किया, उसमें TWS पेयरिंग है, बट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे कोई इनबिल्ट मेमोरी भी नहीं है, वहाँ पे 512 MB इनबिल्ट मेमोरी भी थी। उसके बाद राइट की तरफ गए तो दिन का एक्टिविटी मिलेगा, देन स्लीप का डेटा मिलेगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को आप कस्टम ऐड कर सकते हो। आपको एक प्लस का आइकन मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट करो आपको कौन सा पेज चाहिए वहाँ पे, एंड अप 5 पेजेस ऐड कर सकते हो। काफी सही फीचर लगाई है और इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे ऐसे नहीं लगता कोई वॉच भी ये फीचर दे रही है। बाकी आपका UI काफी स्मूथ है, बटन दबाया मेन्यू में चलेगा और काफी स्मूथली काम करता है। वहां पे मुझे अंदर कहीं भी स्मूथनेस में या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 15 स्पोर्ट्स मोड, जहाँ पे आपको सारे ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। फुटबॉल वुटबॉल देखने को मिल जाएगा, रनिंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। प्रेशर का डेटा, MET, एक्सरसाइज, ब्रीथ, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सेटिंग में भी गए तो आपको रेस 2-1 मिल जाता है, देन कांस्टेंट लाइटिंग स्क्रीन का, जैसा मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात किया उसकी सेटिंग है, ब्राइटनेस है, ऑफ टाइम है, बहुत सारी चीज़ें आपको सेटिंग के अंदर भी देखने को मिल जाती है। भाई कंपनी क्लेम कर रही है आपको मिलेगी 7 दिन की बैटरी लाइफ, मेरा यूजेज अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 दिन के आसपास था, विच इज़ डिसेंट बैटरी लाइफ, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सारे सेंसर्स ऑन थे उस टाइम पे। सो फाइनली वर्डिक्ट, क्या आपको 6000 में फायरबोल्ट टेरर लेना चाहिए? अब पता चला आपको मैंने इसे टेरर क्यों बोला है। कुछ फीचर्स मिसिंग है, कुछ फीचर्स सही नहीं है। IP67 है, जहाँ पे 580 में या 380 में रहना चाहिए था ये वॉच। डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसमें UI में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्क्रॉल करते टाइम हल्का सा लैग देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। बैंड का क्वालिटी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, वॉच दिखती बहुत अच्छी है मुझे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सेंसर्स भी काफी हद तक मुझे एक्यूरेट लगे, अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया भाई, ये अचानक से एक बार बंद हो गई थी, मतलब डिस्प्ले बंद हो गया था, मुझे कॉल आया यहाँ पे डिस्प्ले बंद हुआ, वेक ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वॉच वाइब्रेट हो रही थी, मुझे वॉच को रिस्टार्ट करना पड़ा, उसके बाद ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये सारी चीजों को देख के मुझे ऐसे लगता है 6000 में आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेल्स में तो Amazfit ने भी एक अच्छी वॉच निकाली थी Mini 2, वो सस्ते में मिल रही थी 5-5.5 हज़ार के आसपास। आप वैसी कोई वॉच कंसिडर कर सकते हो, फायरबोल्ट की खुद की 360 प्रो जो 3500 की है, इससे बेटर वॉच लगी मुझे। एंड फायरबोल्ट मैक्स भी मुझे इससे अच्छी लगी, वो भी काफ़ी सही वॉच है, AMOLED डिस्प्ले के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देती है। वो सारी कंसिडर करो आप, मुझे ऐसा लगता है आपको ये बाय नहीं करनी चाहिए। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।